हेलो, गुड मॉर्निंग जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात दो, किसानों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही झारखंड सरकार। समीक्षा बैठक में लिया फैसला, झारखंड में अब तक सरकारी सुविधा से वंचित किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकारी योजना से वंचित किसानों को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार बहुत जल्द प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देने जा रही है। झारखंड मंत्रालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के बाद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि इसका मकसद हर एक किसान तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचाना है। राज्य में इस तरह की लगातार सूचना आ रही है कि कुछ खास किसानों को ही सरकारी योजना का लाभ बार बार मिल रहा है। ऐसे में गठबंधन सरकार ने नए किसानों तक सरकारी योजना पहुंचाने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात दो, गुमला के भरनों में हैरान कर देने वाला मामला। अंबेरा नगेसिया टोली में भालू ने किया दो बार हमला, 3 लोग की मौत, 4 घायल। गुमला जिले के भरनों प्रखंड में भालू ने आतंक मचा दिया है। गुरुवार को अलग अलग समय पर दो बार हमला कर भालू ने 3 लोगों को मार डाला है, 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना करंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेरा नगेसिया टोली गांव की है। पहले हमले में गांव के 56 वर्षीय ललित किसान व महावीर किसान के 17 वर्षीय नाबालिग पुत्र सुभाष किसान की मौत हो गई है। दोनों रिश्ते में नाना और नाती थे, इन दोनों को बचाने गए गाँव के जो मंगलेश्वर किसान हमले में गंभीर से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरे हमले में एक महिला की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। यह लोग ललित के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे, इसी दौरान दूसरी बार भालू ने हमला कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य करने की अपील। संजय सेठ ने लिखी सीएम को चिट्ठी। सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर कोविड की चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य करने की अपील की है। संजय सेठ ने कहा है कि चौथी लहर ने देश में दस्तक दे दी है। कई राज्यों ने महामारी से बचाव के लिए तमाम उपायों पर काम करना शुरू कर दिया है। झारखंड में भी कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए पूर्व की तरह मास्क का उपयोग अनिवार्य किया जाए। सांसद ने कहा है कि इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की उन तमाम जरूरतों को सुदृढ़ किया जाए जिससे विषम परिस्थिति में महामारी से मजबूती के साथ निपटा जा सके। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड पंचायत चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री। मुखिया प्रत्याशी के नामांकन में पुलिस के सामने लगे जिंदाबाद के नारे, 3 गिरफ्तार। झारखंड पंचायत चुनाव के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। गिरिडीह के डोकीडीह पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के नामांकन जुलूस के दौरान ये नारे लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया है। जुलूस के दौरान पुलिस भी दिखाई दे रही है, इसके बावजूद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। प्रत्याशी के समर्थक अपने नेता के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते लगाते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। नॉमिनेशन जुलूस के इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह साकिर हुसैन नाम के मुखिया प्रत्याशी के नामांकन जुलूस का है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, मुख्यमंत्री ने अमर शहीद पांडे गणपत राय को दी श्रद्धांजलि। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायक शहीद पांडे गणपत राय शहादत दिवस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित शहीद स्मारक में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि गणपत राय का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए वे हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले अमर वीर शहीद पांडे गणपत राय के शहादत दिवस पर उन्हें सत सत नमन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो, झारखंड में कोयला खदान धसी। धनबाद में 45 मिनट चला रेस्क्यू ऑपरेशन, नहीं मिला कोई मजदूर, 50 से ज्यादा के फंसने की आशंका। झारखंड के धनबाद में गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरी डोड़ा में बीसीसीएल की बंद माइंस में अवैध खनन के कारण खदान धस गई। इसके ऊपर की लगभग 60 फीट जो है कच्ची सड़क भी धस गई। इसमें 50 से ज्यादा लोग के फंसे होने की आशंका थी, लेकिन देर शाम रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन कर लोग के फंसे होने की आशंका को खारिज कर दिया। रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट RL मुखोपाध्याय ने बताया कि 6 लोगों की टीम ने लगभग 45 मिनट तक रेस्क्यू अभियान चलाया। जिस इलाके में लोग के फंसे होने की आशंका थी, वहां के आसपास के इलाके को टीम ने पूरी तरह सर्च किया, कहीं कोई नहीं मिला। अब जो इलाका
बचा है उसमें सिर्फ पानी है। ऐसे में संभावना है कि खदान के अंदर कोई नहीं फंसा है। इसकी रिपोर्ट बड़े अफसरों को दे दी गई है, आगे के निर्णय वह करेंगे। बता दें कि दोपहर में हादसे के बाद खबर आई थी कि खदान में 50 से ज़्यादा लोग फंसे हैं। सभी लोग पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले हैं। इसके करीब 10 घंटे बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। रेस्क्यू के लिए 6-6 लोगों की 2 टीम बनाई गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करो, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में 25 को 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। गुरुवार को जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस अभय एस ओका की अदालत ने मामले को 3 जजों की बेंच में स्थानांतरित करते हुए सुनवाई 25 अप्रैल को निर्धारित की है। आजसू के सांसद सीबी चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि सरकार इस बार ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों के बगैर पंचायत चुनाव करा रही है। सरकार से ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की गई, लेकिन सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। राज्य के ओबीसी के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। राज्य की पंचायतों में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने विधानसभा में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देने में देरी हो रही थी। इसे देखते हुए सरकार फिलहाल बिना आरक्षण के पंचायत चुनाव करा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करो, पेयजल की दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर पर करे कॉल, झारखंड सरकार करेगी व्यवस्था। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान राज्य में प्रचंड गर्मी में आमजन को पीने के पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए विभाग की ओर से की गई तैयारियों की जानकारी दी। सचिव प्रशांत कुमार ने टोल फ्री नंबर 1800-3456-502 की भी जानकारी दी है और कहा है कि इस पर कॉल कर पानी की समस्या का निदान करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो, अंधेरे में डूब जाएंगे एक दर्जन राज्य। देश में भारी बिजली संकट की आहट, भीषण गर्मी के बीच चिंता बढ़ाने वाली खबर है। देश के एक दर्जन राज्य अंधेरे में डूब जाएंगे क्योंकि इनके पावर प्लांट का कोयला स्टॉक बहुत कम रह गया है। अगर स्टॉक मेंटेन नहीं किया गया तो झुलसाने वाली गर्मी में लोगों को और परेशान होना पड़ेगा। अप्रैल में ही इस साल कई जो है राज्यों में लू चल रही है, तपती गर्मी ने बिजली की खपत बढ़ा दी है। अधिकतर राज्यों का तापमान 40 डिग्री या उसके आसपास पहुंच गया है। फलस्वरूप अभी से ही बिजली की मांग बढ़ने लगी है। कहा जा रहा है कि बिजली की मांग ने 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरी तरफ बिजली बनाने वाली कई जो है पावर हाउस में कोयले की कमी हो गई है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की माने तो देश के एक दर्जन थर्मल पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक बहुत कम रह गया है। जिन राज्यों में कोयले की भारी कमी बताई जा रही है उनमें झारखंड, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इन राज्यों में कोयले की कमी की वजह से विद्युत जो है आपूर्ति में कटौती की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करो, रांची रिम्स में एक ग्रेड नर्स के 370 पदों पर निकली भर्तियां, करें अप्लाई। रांची रिम्स में एक ग्रेड नर्स के 370 पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। जो लोग यहां नर्स बनना चाहते हैं वे प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़े और आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में ए ग्रेड नर्स के 370 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यता बीएससी नर्सिंग या जो है जीएनएम में डिप्लोमा होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस देखें। भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 2 से 31 मई तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन भर सकते हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिस को पढ़ें और आवेदन करें। अगली बड़ी खबर की बात करो, पूर्वी सिंहभूम के गालूडी में हादसा, बाइक को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराया पिकअप वैन, 16 मजदूर घायल। पूर्वी सिंहभूम के गालूडी में बड़ा हादसा हुआ है। गालूडी थाना क्षेत्र के केसरपुर रोड के समीप जो बगाल गोड्डा गाँव के समीप बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक पिकअप वैन पेड़ से टकरा गई। इसमें वैन में सवार 16 मजदूर घायल हो गए। घटना गुरुवार की सुबह लगभग 3 बजे हुई। हादसे के बाद सवार सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल लाया गया। जांच में पता चला है कि 12 मजदूरों को हल्की चोट लगी है, जबकि महिला समेत 4 मजदूरों के सिर, हाथ और शरीर के दूसरे कई हिस्सों में चोट लगी है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करो, पूर्व सांसद करिया मुंडा की तबियत बिगड़ी, ग्रीन कॉरिडोर बनाकर खुंटी से लाया गया मेडिका हॉस्पिटल। 8 बार लोकसभा सदस्य रहे वयोवृद्ध भाजपा नेता पद्म विभूषण करिया मुंडा की तबियत बिगड़ गई है। पद्म विभूषण करिया मुंडा की तबियत बिगड़ने पर उन्हें खुंटी के उनके आवास से रांची मेडिका हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया। पूर्व सांसद को मेडिका में भर्ती कराया गया है। यहां उनका इलाज
चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात, दो बड़ी सफलता, गुमला पुलिस ने 23 किलो गांजा के साथ दो गांजा तस्करों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बड़ी खबर गुमला से, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 23 किलो गांजे के साथ दो गांजा विक्रेताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में गुमला शहर के डीएसपी रोड निवासी 48 वर्षीय ईश्वर साहू और पालकोट थाना क्षेत्र के उमड़ा गांव निवासी 40 वर्षीय श्रवण साहू के नाम शामिल हैं। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गुरुवार को जेल भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात, तो राज्यपाल की पत्नी की सुरक्षा में चूक, कारकेड में घुसी कार, पुलिस ने सवार युवकों को हिरासत में लिया, पूछताछ में बोले सायरन से डरे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस की पत्नी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। बुधवार की रात एक कार राज्यपाल की पत्नी के कारकेड में घुस गई, इसके बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार सवार सभी को तत्काल हिरासत में ले लिया। हालांकि पकड़े जाने पर सब माफी मांगने लगे। कार में छात्र बैठे थे, छात्रों का कहना था कि कारकेड की सायरन की आवाज से वह डर गए थे, जिसकी वजह से कार का ब्रेक लग गया। बाद में पूछताछ के बाद छात्रों को छोड़ दिया गया। दरअसल राज्यपाल की पत्नी कारकेड के साथ रांची रेलवे स्टेशन से राजभवन लौट रही थी, इसी दौरान घटना हुई। कारकेड में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार को रोक लिया, कार सवार को गोंदा थाने के हवाले कर दिया। अगली बड़ी खबर की बात, तो रांची में होगा 108 फीट ऊंचे शिवलिंग मंदिर का अनावरण, तैयारियां हुई तेज। राजधानी रांची के चुटिया इलाके का एक मंदिर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोअर चुटिया क्षेत्र स्थित स्वर्णरेखा धाम में 108 फीट ऊंचे शिवलिंग मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर की बुनियाद से ऊंचाई 108 फीट है। बताया जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा शिवलिंग नुमा मंदिर होगा। गिरिडीह के बगोदर में हरिहर धाम के प्रसिद्ध शिवलिंग की ऊंचाई 65 फीट बताई जाती है। 108 फीट ऊंचे शिवलिंग मंदिर की स्थापना बेहद अलौकिक तरीके से की जा रही है। मंदिर में स्थापित होने वाला शिवलिंग नर्मदेश्वर पत्थर है। यह पत्थर नर्मदा नदी के अंदर से निकाला जाता है। ऊंचाई 3 फीट और चौड़ाई 4.5 फीट है। बताया जा रहा है कि शिवलिंग की सजावट का सामान कर्नाटक के नागा मंगला से मंगाया जा रहा है। चुटिया स्वर्णरेखा धाम के अध्यक्ष सुरेश साहू ने मीडिया को बताया कि शिवलिंग मंदिर का निर्माण कार्य पिछले 5 सालों से जारी है। आपसी सहयोग कर 1,50,00,000 की लागत से बनाया जा रहा है। निर्माण में उड़ीसा और कर्नाटक के कारीगर लगे हुए हैं। उन्होंने बताया है कि मंदिर की ऊंचाई देश के सभी शिवलिंग मंदिर की तुलना में अधिक है। अगली बड़ी खबर की बात, तो झारखंड सरकार के दामन पर दाग, गृह रक्षा वाहिनी में नियुक्ति घोटाला, मेधा सूची में फर्जीवाड़ा उजागर। पहले झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में एक ही सेंटर के अभ्यर्थियों का क्रमवार परीक्षा परिणाम निकलने पर सवाल उठा था, जिसकी जांच चल रही है। अब एक नया नियुक्ति घोटाला सामने आया है। मामला गृह रक्षकों की बहाली का है। पूर्व में जिस मेधा सूची पर सवाल उठने के बाद राज्य सरकार ने उसे रद्द कर दिया था और नई मेधा सूची जारी करने का आदेश दिया था। उस नई मेधा सूची में भी फर्जीवाड़ा के संकेत मिले हैं। एक बार फिर नई मेधा सूची में जिस अभ्यर्थी का चयन जिस प्रखंड के लिए हुआ है, उसका वर्तमान व अस्थायी पता उस प्रखंड में आता ही नहीं। ऐसे में पूरी मेधा सूची सवालों के घेरे में है। उदाहरण के लिए गृह रक्षा वाहिनी में रातू प्रखंड से जिस सीमा कुमारी का मेधा सूची में नाम प्रकाशित हुआ है, उसका वर्तमान व अस्थायी पता रातू प्रखंड के अंतर्गत आता ही नहीं है। मेधा सूची में 4 भाई बहनों के पिता एक हैं, वर्तमान पता भी एक है, लेकिन सबका अस्थायी पता अलग अलग है। इससे एक बार फिर गृह रक्षकों की बहाली को लेकर जारी मेधा सूची पर सवाल उठ गए हैं। गत 14 अप्रैल 2022 को ही रांची के उपायुक्त ने नई मेधा सूची जारी की है, जिसमें एक सप्ताह का समय आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया। अगली बड़ी खबर की बात, तो झारखंड पंचायत चुनाव, रामगढ़ के इस पंचायत के लोग क्यों कर रहे हैं पंचायत चुनाव का बहिष्कार, लिखा पत्र। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड की हेसला पंचायत के पंचायत समिति सदस्य रहे वैद्यनाथ राय ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इसके जरिए उन्होंने हेसला पंचायत में झारखंड पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि इस पंचायत की कुल 212 एकड़ जमीन सरकार के द्वारा जियाडा को हस्तांतरित कर दी गई है और शेष परिसंपत्ति के प्रशासक द्वारा आवंटित आवास धारकों को हफ्ते भर में आवास खाली करने का तुगलकी फरमान जारी किया है। इससे नाराज लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात, तो रामगढ़ में सड़क हादसा, ऑटो और पिकअप वैन में टक्कर, एक की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। बरकाकाना ओपी क्षेत्र के बरकाकाना पतरातू फोर लेन सड़क पर ऑटो और पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर हुई। इस घटना में एक युवती की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इसके साथ ही 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने बताया है कि 7 घायलों में से 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स
रांची रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो दशहरौनी मेले को लेकर अभी से तैयारी। पुलिस ने देवघर के प्रमुख जगहों पर निकाला फ्लैग मार्च। विश्व के सबसे बड़े मेले श्रावणी मेला पर कोरोना की नजर लग गई थी। कोरोना की वजह से लगातार 2 साल बर्बाद हुआ। श्रावणी मेले को लेकर इस साल देवघर प्रशासन ने कमर कस ली है। कई पदाधिकारी मंदिर का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। देवघर प्रशासन के द्वारा तैयारियां जोर शोर से चल रही है। वही लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी विश्वजीत कुमार के नेतृत्व में एवं जिला पुलिस का नेतृत्व कर रहे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन के नेतृत्व में संयुक्त तत्वाधान में देवघर के प्रमुख जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला। अगली बड़ी खबर की बात दो मुख्यमंत्री झामुमो नेता के पुत्र पुत्री के रिसेप्शन कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता फागू बेसरा की पुत्री और पुत्र के विवाह रिसेप्शन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रामगढ़ जिला के हेंसागढ़ा स्थित उनके आवास पहुंचे। मौके पर मुख्यमंत्री ने फागू बेसरा की पुत्री जयचांद मुनि बेसरा और पुत्र राजेश बेसरा एवं पुत्रवधु शीला हेम्ब्रम को सुखद दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं दी है। इस दौरान फागू बेसरा के परिवार के अन्य सदस्य एवं रिश्तेदार भी उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात तो एनोस एक्का के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई टली। ईडी की विशेष अदालत से मिली सजा को दी गई चुनौती। जमानत याचिका दायर। झारखंड हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सजायाफता पूर्व मंत्री एनोस एक्का की जमानत पर गुरुवार को सुनवाई टल गई। यह मामला जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन कोर्ट में एनोस एक्का की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। उम्मीद जताई जा रही है कि अब अगले सप्ताह एनोस एक्का की जमानत पर सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत ने एनोस को 7 साल की सजा सुनाई है। ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ एनोस की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है, साथ ही जमानत की गुहार लगाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो स्कॉर्पियो पलटने से दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। गढ़वा में हुआ हादसा। झारखंड के गढ़वा शाहपुर मार्ग पर भिकही मोड़ के समीप अनियंत्रित होकर बारातियों को लेकर लौट रही स्कॉर्पियो पलट गई। इसमें वाहन में सवार दूल्हा दुल्हन और गाड़ी चालक समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों में दूल्हा शिव कुमार चौधरी पिता लल्लू चौधरी, दुल्हन ममता देवी, दूल्हे का भाई शाह, गाड़ी का ड्राइवर देवेंद्र कुमार चौधरी, दूल्हे का जीजा, गढ़वा थाना का फरटिया गांव निवासी रंजन चौधरी और कोरवाडी गांव निवासी जो है नागेंद्र कुमार चौधरी पिता जयश्री चौधरी शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल लाया गया है। इनमें देवेंद्र कुमार चौधरी की हालत जो है गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है, जबकि अन्य 4 घायलों का इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करो हेमंत सोरेन सरकार की अनूठी पहल। आंध्र प्रदेश की तरह झारखंड में अब स्टेट रिसर्च बोर्ड। झारखंड में पहली बार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने तथा शोधकर्ताओं को वित्तीय एवं अन्य जो है सहायता प्रदान करने के लिए बोर्ड गठन करने की पहल शुरू हुई है। यहां आंध्र प्रदेश की तरह स्टेट रिसर्च बोर्ड का गठन होगा। बोर्ड के गठन में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित साइंस एवं टेक्नोलॉजी रिसर्च बोर्ड के प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा। राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने बोर्ड के गठन को लेकर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। राज्य में प्रस्तावित स्टेट रिसर्च बोर्ड के गठन का उद्देश्य वैश्विक मानकों पर गुणवत्तापूर्ण रिसर्च को बढ़ावा देने और समाज, अर्थव्यवस्था और यूनिवर्स की समस्याओं के लिए उपयुक्त समाधान खोजने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिसर्च के लिए एक अस्थायी इकोसिस्टम तैयार करना होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।